चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की नंबर वन अदाकारा आम्रपाली दुबे के एक ताजा बयान ने सोशल मीडिया पर जैसे तहलका ही मचा के रख रखा हो और सोशल मीडिया पर आम्रपाली दुबे की जमकर तारीफ लोग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत बाबा राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में 20 साल की ऐतिहासिक सजा सुनाई है। बाबा राम रहीम को दो साध्वियों के साथ रेप के आरोप में 10-10 साल की अलग अलग सजा भुगतनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने बाबा राम रहीम पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस पर भोजपुरी की नंबर वन अदाकारा आम्रपाली दुबे ने कहा कि ऐसे बाबा पर कार्रवाई करके सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसे पापी बाबा से हमें बचकर रहना चाहिए। और साथ ही साथ आम्रपाली दुबे ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा हमें अपने माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक के पास सुनरिया की जेल के पुस्तकालय में बनाई गई विशेष अदालत में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बीते शुक्रवार को गुरमीत बाबा राम रहीम 1999 में अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने में दोषी करार दिए गए थे। मामले में शिकायतकर्ता 2002 में ही FIR दर्ज हुई थी। बचाव पक्ष के वकील ने जहाँ दुष्कर्मी के दोषी डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को सामाजिक कार्यकर्ता और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने इनकी यह याचिका ठुकरा दी थी।